हम सभी जानते हैं कि बायोपिक का दौर चल रहा है, ऐसे में एक महान योद्धा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की बायोपिक बनी है और अदाकारा जो कंगना रनौत हैं बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की और उन्होंने इस किरदार को पूरी तरह से जिया है। मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि ये पिक्चर को जरूर देखिए अपनी मातृभूमि के लिए और नारी के सम्मान के लिए। सबसे पहले जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ है फिल्म का वो बेहतरीन है और लास्ट में कैसे मतलब रानी लक्ष्मी ने अंग्रेजों से लड़ा उसका जो निर्देशन डायरेक्टर ने किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। काफ़ी अच्छी कोशिश की है। इंटरवल से पहले थोड़ी सी फिल्म पटरी पे नहीं आ पा रही थी लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म में मतलब दर्शक इन्वॉल्व हो जाता है और जिस तरह से उसका शौर्य दिखाया झांसी का तो कंगना ने काफ़ी कोशिश की। इन कंगना रनौत अपने पूरे कंधे पर पिक्चर को बहुत अच्छा से किया है। एक्शन बहुत अच्छा है पिक्चर का, सेकेंड हाफ लास्ट हाफ एन आवर बहुत अच्छी है पिक्चर और पिक्चर ऐसा लगता है कि संजय लीला बंसाली ने बनाया ऐसा लग रहा है। हाँ भारत की सबसे और ये बीइंग अ लेडी 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 वॉरियर और उसने दिखाया कि एक औरत क्या कर सकती है और मेरे ख्याल से लेडीज अपील है पिक्चर में बहुत ज़्यादा। आउट ऑफ 5/4 म्यूजिक भी अच्छा है, सब अच्छा है इसमें, सब काम बहुत अच्छा बढ़िया किया हुआ है, अच्छी है पिक्चर। अब सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज दैट के देखिए रानी की झांसी का इंटरप्रिटेशन हर किसी ने अपने लेवल पे किया है। सुपर हिट, बढ़िया, शानदार, कहीं भी फिल्म को भटकने नहीं दिया है,